करेंगे इनफैक्ट किन्हीं डिवोटी का क्वेरी है. ओके सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रेयर. प्रेयर स्टार्ट करेंगी ऋचा माता जी. हरे कृष्ण ऋचा माता जी प्लीज. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाखय चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण एवरीवन. आज जो जानने वाले हैं कोई बुक में पहले से शायद ही आपने पढ़ा हो और वो एकदम क्लैरिटी से आप लोगों को समझ में आएगा. ठीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. चलिए पहले करते कीर्तन. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे रामा 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 हरे हरे. हरे कृष्णा Hare Krishna. Krishna, Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Hare. Hare Rama. Rama Hare Hare. Hare Krishna. Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama.
हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। पहले एक इंस्टेंस से स्टार्ट करते हैं आज जो हुआ, और उसके बाद बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आज तक किसी ने ऐसा सुना नहीं होगा, कहीं पे पढ़ा नहीं होगा।
मैंने तो नहीं पढ़ा और मेरी कल्पना भी ऐसी नहीं है कि मैं सोच पाऊँ कि कुछ ऐसा कहीं से भी वर्णित, परंतु आज हम लोग ऐसी बातें समझेंगे और सबको समझने के बाद अग्री भी करेंगे, ठीक। और तो ध्यान पूर्वक समझिए, परंतु उससे पहले एक हास्यास्पद बात, थोड़ा सा कॉमिकल, और उससे एक बहुत इम्पोर्टेंट संदेश। देखिए, आप लोगों को मालूम है पिछले कुछ दिनों से तबीयत खराब है। आज क्या हुआ, मुझे कोई सेवा मिली थी भगवान से डायरेक्टली संबंधित, कोई सेवा मिली और मैं सेवा करने में मग्न था। अब मग्न था कि नहीं था वो तो अलग, परंतु सेवा कर रहा, सेवा में लगा हुआ। किसी डिवोटी ने मेरे को कॉल किया, 7:15 वाले जो ज्वाइन किए होंगे उनको मालूम है डिवोटी का नाम, परंतु किसी डिवोटी ने मेरे को कॉल किया और पूछा, प्रभु जी आप कैसे? मेरा जवाब ये था, मुझे सच में मैं कोई बात बना नहीं रहा, उस समय भी मेरा जवाब यही था और मेरे हृदय में भी यही चल रहा था, मेरे को नहीं पता मैं कैसा हूँ और मेरे को नहीं जानना कैसा हूँ, अभी मेरे को काम करना दीजिए। आप समझिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोग बहुत ज्यादा सजग रहते हैं कि प्रभु जी आपकी तबीयत ठीक नहीं, बहुत अच्छी। और मैं जानता हूँ कुछ डिवोटीज ऐसे भी हैं जो रोने लग जाते हैं, और मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो जाए, थोड़ी ज्यादा सीरियस हो गई है, टाइम टू टाइम आएगा रिफ्लेक्शन, भगवान करे अपनी, परंतु भगवान जानते क्या होगा, उससे ज्यादा भी सरकार। अगर आप लोग सच में मेरा भला चाहते, आप लोग सच में मेरे को खुश करना चाहते, मेरे लिए अच्छा करना चाहते, कृपया करके नाम जैसे जो लक्ष्य बनाया हुआ है, जो नाम प्रचार का लक्ष्य बनाया हुआ है, थोड़ी कार्य कीजिए ना, कार्य कीजिए। कृष्णा जो है, जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है, वो मेरा अत्यंत प्रिय है। आप कृष्णा के प्रिय बनेंगे उसमें ही सबसे ज्यादा खुश ना होंगे, परंतु कार्य की, अगर सच में मेरा प्लीज कार्य, ठीक है, इज दैट ओके। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं। आज से पहले शायद ही आपने सुना हो, ओके चलिए, जो भी टेम्पल आप जानते हो, कोई भी मंदिर जानते हो, पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड लेने के लिए एक आपको तरीका बताता हूँ, उसके बाद आगे की बात। जो भी टेम्पल आप जानते हो 100 साल से पुराने या फिर 50 साल से पुराने बोल दीजिए, आजकल नए नए अलग अलग तरीके के टेम्पल आने लगे, कोई बात, पुराने पहले थोड़ा इतिहास में चले, 100 साल से ज्यादा पुराने टेम्पल, जब भी आप ऐसे टेम्पल के बारे में जानते हैं, तो ऐसा टेम्पल, कोई भी टेम्पल याद कीजिए जो भी 100 साल से पुराना टेम्पल, वो नए टेम्पल के लिए भी एप्लीकेबल है, परंतु नए टेम्पल में कोई कोई एक्सेप्शन आ जाएगा, बताऊंगा एक्सेप्शन क्या। कोई भी मंदिर, कैसा भी मंदिर हो, देवी देवता का भी मंदिर, 100 साल से पुराना, अवश्य ही कोई ना कोई गुरु रहे होंगे जिनने टेम्पल का उद्घाटन किया, उनके बताए निर्देशों अनुसार आज तक वो टेम्पल चल रहा है, हाँ कि ना, यस नो। जो भी 100 साल से पुराना टेम्पल, जो भी 100 साल से पुराना मंदिर, आज के लिए मंदिर के लिए भी यही होना चाहिए, परंतु आजकल एक नया सिस्टम चल गया, भटकाव के लिए एक और नया तरीका बन गया। 100 साल से पुराने मंदिर में ऐसा हो है कि नहीं है, सारे मंदिर में, कोई भी मंदिर हो, देवी देवता के मंदिर है, कोई गुरु रहे थे, उनने बताया कि इस तरीके से करना है,
उनने सारे दिशा निर्देश बना दिए और शिष्य उसका पालन कर रहे, सही है, करेक्ट। अब पीछे चलते हैं, देखिए सपोज कीजिए टेंपल कोई है ही नहीं, नव विधि भक्ति है उसमें अर्च विग्रह सेवा है ही नहीं, अर्चनम है ही नहीं, एक बार के लिए मानिए ना। अब नव विधि भक्ति क्या हो गई, आठ विधि भक्ति। देखिए होता कैसा है कि पहले कभी भी हम भक्ति करें तो विधि विधानों अनुसार भक्ति करनी होती है, करेक्ट। पहले विधि विधानों अनुसार भक्ति करते हैं और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद रागानुगा भक्ति होती है, सही बात है, सभी को समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत है, डिफिकल्ट है डी लिख दीजिए बस, डिफिकल्ट है किसी को। पहले सबसे पहले कैसा भक्ति होता है, विधि विधि जो भी होता है, जो भी हमको पूर्ववर्ती आचार्यों ने बताया ये विधि का पालन कीजिए, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, उसका पालन करते हैं। जब हम उसमें शुद्ध हो जाते हैं तो रागानुगा भक्ति, रागानुगा भक्ति कहने का मतलब भगवान से स्वतः प्रेम जागृत करने का तरीका, ठीक है, स्वयं स्फुरित प्रेम आता है, खुद ही प्रेम जागृत हो जाता है, करेक्ट, यही तरीका है, सही है, सभी सभी क्लियर है, किन्हीं को डिफिकल्टी है, नो है ना, कोई डिफिकल्टी नहीं है, सही बात है। अब सपोज कीजिए कि आठ विधि भक्ति है, नव विधि भक्ति नहीं है। अब वो आठ विधि से जब प्योरिटी आ जाती है, आपने हर बार यही जाना होगा, नव विधि पे आ गए, अर्च विग्रह सेवा पे आ गए, जब भी किसी ने टेंपल बनाया तो या तो भगवान द्वारा बताया गया है या भगवान डायरेक्टली प्रकट हो गए किसी, परंतु गुरु के सामने प्रकट हुए, कोई उच्च पर्सनालिटी के सामने प्रकट हुए, ऐसे ही हुआ है। जो भी टेंपल अस्तित्व में आया उसका यही यही तरीका। आजकल का एक डिविएशन वो भी बता दे, आजकल का एक डिविएशन क्या है, हम लोग एक सोसाइटी बनाए हैं तो सोसाइटी का एक मंदिर बनाएंगे, हैं, हम लोग एक ये बना रहे हैं तो एक परिसर में एक मंदिर बना देंगे, एक बगल में मंदिर बना देंगे, ये आजकल तरीके बनते हैं। देखिए तरीके में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उसके पीछे जड़ में कहीं का दिक्कत है, बताएंगे कहां पे दिक्कत है। परंतु आप समझिए, जो भी मंदिर बना 100 साल पहले तक जो मंदिर बना वो ऐसे ही बना, करेक्ट, या तो भगवान ने प्रकट किया या गुरु ने बताया उस निर्देश अनुसार प्रेम जागृत हुआ तो उसने मंदिर बनाया तो मंदिर चल रहा, करेक्ट। हरे कृष्णा, समझ आ रहा है सभी को, नहीं आ रहा किसी को, कोई डिफिकल्टी है, कोई कष्ट है किसी को, कोई भी कष्ट है नहीं है, ओके। अब देखिए होता कैसा है, होता ऐसा है कि कभी भी हम किसी भी प्रकार से भक्ति कर रहे हैं तो वो जो गुरु ने, जो गुरु का स्वयं स्फुरित प्रेम था जिसके कारण कृष्णा ने रेसिप्रोकेट करके कृष्णा ने प्रकट कर दिया कि ये रहा विग्रह, अब इसकी सेवा करो, या फिर ये रास्ता बता दिया कि अब इसकी सेवा करो, कृष्णा ने उनकी रागानुगा भक्ति के अनुसार उनको मार्ग बताया, समझ आ रहा है सभी को, कृष्णा ने उनकी रागानुगा भक्ति के अनुसार उनको बताया कि अब ऐसे सेवा करो हर बार, समझ आ रहा है। भक्त की रागानुगा भक्ति आ गई, अब वैधि भक्ति के ऊपर चला गया, भगवान से स्वयं स्फुरित प्रेम जागृत हो रहा है, अपने आप प्रेम जागृत हो रहा है, अब भगवान उसको बता रहे हैं ये रहा विग्रह, उसको प्रकट में आ गया, वो विग्रह लाया, विग्रह को स्थापित किया, प्राण प्रतिष्ठा किया, सेवा करना शुरू कर दिया, हो गया मंदिर, समझ रहे,
सारा मंदिर इसी तरीके से बना हुआ है। अब देखिए जो मंदिर बना हुआ है ना, वो मंदिर कैसा है, वो मंदिर की सेवा उसी अनुसार हो सकती है जिस अनुसार कृष्णा ने वो रागानुग भक्ति में जो गुरु को ज्ञान प्रकट किया था उसी अनुसार हो सकती है। अगर कोई उस विधि को तोड़ रहा है तो ये गलत कर रहा है, और अगर साफ साफ शब्दों में बोले तो अपराध कर रहा है। समझ आ रहे हैं? इज दिस क्लियर? कृष्णा ने जो प्रकट किया था गुरु को, सॉरी ये तो स्क्रीन ही शेयर ओके, कृष्णा ने जो प्रकट किया था वो गुरु को, जिस गुरु के सामने प्रकट किया था विग्रह को, है ना, जिसके सामने वो प्रकट किया था, उसको जो विधि उसकी जो भाव थी उस अनुसार ही भक्ति होनी चाहिए, उस अनुसार ही उसकी सेवा होनी चाहिए, विग्रह की सेवा उस अनुसार ही होनी चाहिए, क्योंकि वो तो वो भाव को प्रकट हुए थे ना। समझ रहे? अब अगर सपोज कीजिए दो अलग अलग तरीके का डिविएशन, सपोज कीजिए कि कोई भाव में है ही नहीं, कोई अपने पूर्ववर्ती आचार्य गुरु की बात मानता ही नहीं है, कृष्णा जिनके सामने प्रकट हुए उनकी बात मानता ही नहीं है, और जाता है अच्छे से अच्छी सेवा करता है, तो वो सेवा करेगा कि अपराध करेगा? अच्छे से अच्छी सेवा कर रहा, जितना अच्छी सेवा, परंतु पूर्ववर्ती आचार्यों की गुरु की बात नहीं मान, है? वो अपने ही गुरु की बात नहीं मान रहा, कृष्णा जिनके सामने प्रकट हुए उनके उन्हीं की बात नहीं मान रहा, तो सेवा करेगा कि अपराध करेगा? है? अच्छे से अच्छी भी सेवा कर रहा है, पूरा सोने का महल बना दिया, परंतु वैसे नहीं कर रहा जैसे कृष्णा ने प्रकट होकर के उस गुरु के सामने बताया था, हैं? तब प्रकट हुए थे। समझ रहे? सभी को समझ में आ रहा है? ये सेवा होगी कि अपराध होगी? जल्दी जल्दी सबको ही बताइए, सेवा अपराध, एस या ए लिख दीजिए ना जल्दी से, मेरे को बस इतना मतलब है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, सभी को समझ में आ रहा है? अब आया बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, अब मैं नाम नहीं ले रहा, आप लोग समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग धाम आते हैं और धाम आकर के विशिष्ट मंदिर जाते हैं। समझ लीजिए मैं किसका, कौन से विग्रह का नाम ले रहा हूँ, कहाँ का नाम ले रहा हूँ। वहां तो जाते तो हैं परंतु करते क्या है, उन विग्रह को पूजित पूजा करने वाले पूर्ववर्ती आचार्यों की बात नहीं मानते हैं। देखिए समझिए इस बात को, हमको कृष्णा से पर्सनल कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, लक्ष्य बना करके क्या आ रहे हैं, आप समझिए लक्ष्य बना करके क्या आ रहे हैं, उस मंदिर जाना है, परंतु उस मंदिर के कहे गए पूर्ववर्ती आचार्यों को भी नहीं जानते। ये कोई नई बात नहीं है, मेरे साथ भी होता था जब तक गुरु शिष्य परंपरा पता नहीं, परंतु आप समझिए ये पता होने के बाद अब ये सब करें तो बड़ा अपराध है। आप किसी विशिष्ट मंदिर दौड़ करके चले गए परंतु उनकी बातों को फॉलो नहीं करते, उनके गुरु की कई बातों को फॉलो नहीं करते, गुरु कौन है जानते नहीं है, बस जाकर के मंदिर में है, क्यों? ताकि हमको कोई फल मिल जाए। अब ये बताइए ये भक्ति हो रही है कि भोग करने का कोई साधन है, भक्ति है कि भोग है, हैं? अगर किसी विशेष मंदिर, बी से भक्ति भी होता है, बी से भोग भी होता है, लिखिए अच्छे से, भक्ति हो रही है कि भोग हो रहा है, किसी विशेष मंदिर पहुंच गए दौड़ करके, परंतु उनके विग्रह की जो सेवा जैसे होती है, पूर्ववर्ती आचार्यों के जो शब्द हैं उनकी बातों को मानते ही नहीं, पालन ही नहीं करते, हैं?
भक्ति हो रही है कि भोग हो रहा है? हमको तो कोई फल मिल जाए उसलिए हम दौड़ करके पहुंच गए। सोचते क्या है कि हम भक्ति करने गए, वृंदावन गए भक्ति करने। देखिए समझिए इस बात को, हमको जिस प्रकार से गुरु के ही प्रति समर्पण करना है, सम्मान सभी का करना है, ठीक इसी प्रकार से हमको अपने गुरु द्वारा सेवित विग्रहों की ही के ही प्रति समर्पण करना है, परंतु सम्मान सभी का करना है, पूर्णतया सम्मान, हाईएस्ट लेवल का सम्मान। कृष्णा है, कृष्णा से ऊंचा कौन हो? ऐसा नहीं अपमान कीजिए, ऐसा नहीं है मत जाइए, मैं ये भी नहीं बोल रहा मत जाइए, मैं बोल रहा हूं जाइए, परंतु जाइए कैसे कि हम अपने गुरु की बात मानते हैं और गुरु ने हमको कृष्णा के बारे में बताया है और ये भी वही कृष्णा है तो हमारा। परंतु लक्ष्य क्या है? लक्ष्य हमारा गुरु के विग्रह की सेवा करना है, लक्ष्य हमारा गुरु की सेवा करना है, क्योंकि हम गुरु के भाव अनुसार ही अपना जीवन को व्यापन कर सकते हैं, हम अपने अनुसार नहीं कर सकते, अपने अनुसार नहीं कर सकते। आप तो उनके गुरु की कई बात ही नहीं मानते, आप उनके विग्रह की सेवा कैसे कर सकते? समझ रहे हैं? बहुत गुह्य बात है, टेंपल में बहुत बार देखते हैं, बहुत विग्रह का नाम होता है, सभी विग्रह का नाम होता है, जैसे आपका नाम है ना, आपका नाम है ना, सॉरी मैं उल्टा पुल्टा बोलूंगा, प्लीज बुरा मत मानिए, जैसे पूजा माता जी का नाम है, हम उनको ऊजा माता जी बोलेंगे तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना, लगेगा ना बुरा है? पूजा नाम है, आप पूजा क्यों बोल रहे? विग्रह का नाम होता है, हमको उस नाम से विग्रह के बारे में जानना चाहिए, वो पर्सनल कनेक्शन कृष्णा से, वो पर्सनल कनेक्शन होना चाहिए। अगर वो पर्सनल कनेक्शन बन ही नहीं रहा है तो भक्ति हो कहां से रही है? और फिर रागानुगा भक्ति में कहां से जाइएगा? और रागानुगा भक्ति नहीं आएगी तो कृष्णा से दिव्य संबंध स्थापित कैसे कीजिएगा? कृष्णा के लोग कहां से जाइए? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यस नो? सभी को समझ आ रहा है? क्या देखते हैं कि बहुत बार विग्रह का नाम नहीं लिया जाता है और बहुत बार लोग है ना किसी दूसरे दूसरे विग्रह को लक्ष्य बना करके भागते हैं। वो कितने भी कृपालु क्यों ना हो, कितने भी कृपालु क्यों ना हो, हमारा लक्ष्य हमेशा गुरु की कही बात होना चाहिए। और जब उनका रिफ्लेक्शन कहीं और देख रहे हैं तो हम दूसरे का भी पूर्ण सम्मान करेंगे, पूर्ण सम्मान करेंगे, परंतु हम भाव तो उसी भाव में रह सकते हैं जो जो जिस भाव में हमें गुरु ले जाए। इसीलिए गुरु का महत्व बहुत ज्यादा है, नहीं तो हम वो हृदय डेवलप नहीं करेंगे, हृदय नहीं लाएंगे, हम एक प्रिटेंडर बन जाएंगे, धोखेबाज, अपने आप को भी धोखा देंगे। भक्ति कर रहे हैं अब गुरु के हृदय अनुसार भक्ति नहीं कर रहे हैं, फिर गुरु की कई बातें नहीं मानेंगे, हमको इसकी बात माननी है, उसकी बात माननी है, उसकी बात माननी है, उसकी बात माननी है, किसकी बात माननी, अब वो सब मान करके क्या मिल जाएगा? मैं बिना किसी संशय के ये बात बोल रहा हूं, आप कोई भी हो कहीं से भी हो, आप आइए बैठिए, मैं बता रहा हूं कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के शब्द अकाट्य है, उनको काटा नहीं जा सकता, वो लक्ष्य तक पहुंचाने वाले, जो जीवन का लक्ष्य है वहां तक पहुंचाने वाले, आपको दूसरा इधर उधर सोचने के भी क्या आवश्यकता है? हाँ बिल्कुल, जब ये बात बोले पूर्ण सम्मान कीजिए, कृष्णा को कोई दूसरा विग्रह भी मिले पूर्ण सम्मान, बहुत खुश होना चाहिए, परंतु मालूम होना चाहिए हमारा जड़ कहां पे है ना। अब इसमें एक एक्सेप्शन और आता है, एक एक्सेप्शन और आता है। और ये एक्सेप्शन एक्चुअली में आप लोगों की जो जिज्ञासा है वो आंसर करेगा, हो सकता है बहुत लोग पूछने का हिम्मत भी ना करें, प्रभु जी ये बात मैं कैसे पूछ लूं, परंतु आप लोगों की जिज्ञासा होगी हैं? एक काम कीजिए, अगर जिज्ञासा रही होगी और मैं उसको आंसर कर दूंगा तो आप वाई लिख दीजिएगा चैट
चैट में वाई लिख दीजिएगा या फिर आई लिख दीजिएगा आई, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपकी जिज्ञासा। अब क्या होता है कि सपोज कीजिए पूर्ववर्ती आचार्यों ने तो किसी विग्रह की सेवा की, परंतु आज क्या हम देख रहे हैं, आज हम देख रहे हैं उस विग्रह की सेवा अच्छे से नहीं हो रही। पहले उस विग्रह की सेवा हुई, परंतु आज उस विग्रह की सेवा ढंग से नहीं हो रही, अच्छे से नहीं हो रही। तब भी हम उसी विग्रह के पास क्यों जाए, आज तो उनकी सेवा नहीं हो रही। देखिए दो बातें, पहला जो गुरु होते हैं वो स्पिरिचुअल होते हैं, स्पिरिचुअल कभी मरते नहीं है, वो हमेशा जीवित रहते हैं। आत्मा जिस प्रकार से कभी नहीं मरती है, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी कभी भी नहीं मरती, गुरु के शब्द कभी नहीं मरते। तो अगर कोई विग्रह के प्रति अपराध भी कर रहा तब भी स्पिरिचुअल तौर पे, आत्मिक तौर पे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं वो तो देख रहे हैं, वो तो जीवित। दूसरा विग्रह भी जीवित। अगर कोई बच्चा है, घर में कोई बच्चा है, और घर में माता बच्चे को गलती से किसी दिन माता के हाथ से बच्चे को कोई बुरा हो जाए, सपोज कीजिए माता ने कुछ छुरी ली हुई थी, बच्चे का हाथ कट गया, बच्चे का अहित हुआ, नहीं होना चाहिए, हुआ कोई बात नहीं। अब अहित होने के बाद भी बच्चे का हाथ अगर कटा हुआ भी है तो बच्चा क्या बदल जाता है क्या? माता को क्या बोलना चाहिए, अब तू बदल गया है, अब तू मेरा वो बेटा ही नहीं है, समझ रहे? अब चाहे विग्रह की सेवा अच्छे से हो, चाहे खराब से हो, चाहे जैसे भी हो, वो तो विग्रह है, वो तो जीवित है, वो ही हमारे हैं और हम ही उनके। अब हम अस्वीकार कर दे तब भी हम उनके हैं, और स्वीकार कर ले तब भी हम उनके। क्लियर है सभी को? ये जिज्ञासा थी। रेगुलरली जो ज्वाइन कर रहा हूँ सोचते होंगे जिज्ञासा थी, नहीं थी, थी तो जल्दी जल्दी आई लिख दे। देखिए आपकी जिज्ञासा का पहले ही आंसर कर दिया, तो जल्दी से बता दें। अरे झूठ झूठ मत बोलिए, जिनकी जिज्ञासा थी वही हाँ बोलिएगा। ओके, सो अगर विग्रह की सेवा किसी भी प्रकार से हो रही है, कोई भी अपराध हो रहा है, तब भी वो विग्रह हमारे, तब भी वो विग्रह हमारे, हमारा अस्तित्व उनसे, हमारा स्पिरिचुअल अस्तित्व है। जैसे एक बच्चे का जन्म होता है ना, तो माता पिता के बिना बच्चे का जन्म नहीं हो सकता, माता पिता के बिना बच्चे का जन्म नहीं हो सकता। बच्चे का अस्तित्व माता पिता से, मटीरियल अस्तित्व, भौतिक अस्तित्व, ठीक उसी प्रकार से हमारा आध्यात्मिक अस्तित्व गुरु से है, विग्रह से, हमारा जड़, हमको उनसे अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए कभी भी गलती से भी, चाहे जो भी स्थिति, विग्रह का पूर्ण सम्मान करें, और कभी भी मंदिर जाए, किसी भी देवी देवता के मंदिर जा रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, आप समझिए
उनकी जो भी सेवा होती है, आप लोग सोचते होंगे कि नहीं नहीं ये तो विग्रह हैं, ये तो हम विग्रह के पास गए और उनके पास हम जो भी मन करे हम बोल सकते हैं, ये तो विग्रह भगवान ही हैं और इनके पास जाने में क्या है, आप जाइए, मना नहीं है। परंतु वो विग्रह अगर आजकल तो कम्युनिटी वाला होने लग गया है कि सब जोड़ करके पैसे धन जोड़ करके एक मंदिर बना देते हैं यहाँ पे, वो सब तरीका गलत। देखिए मंदिर कैसे बनता है, अगर मंदिर बन रहा है तो उसका बस दो तरीका होगा, एक तो विग्रह प्रकट होगा और दूसरा कोई गुरु है। इनफैक्ट मैं कैसे बोलूं, मेरे बहुत बगल में भी इस प्रकार का मंदिर बना हुआ है कि पैसे जोड़िए और हम मंदिर बना, एकदम गलत। दो ही तरीके से कृष्णा प्रकट हो रहे हैं, या फिर दूसरा तरीका क्या होगा, कोई गुरु है, हैं? वो रागानुगा भक्ति में स्थित हैं, वो विग्रह स्थापित कर सकते, वो विग्रह स्थापित कर सकते, बाकी कोई विग्रह स्थापित कर रहा है तो ये सब रागानुगा भक्ति आई नहीं है, कृष्णा से आप दिव्य प्रेम आत्मीय संबंध कृष्णा का विग्रह की सेवा कैसे कर सकते हैं? मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, आप समझ लीजिए ये सब बहुत गड़बड़ है। इस तरीके से अगर कोई मंदिर बना रहे तो वो मंदिर ठीक है, अपने मन को संतोष देने वाली बात है, ठीक है, इस तरीके से मंदिर है, इस तरीके से ये है, इस तरीके से वो है, अपने आप को संतोष दे लीजिए और सोचिए हम तो भक्ति कर रहे हैं ना, सब कुछ ठीक चल रहा है जी, है भक्ति चल रही है, भक्ति कैसे चल रही है, भक्ति में है, भक्ति चल रही है, हमारी भक्ति है, हमारे विग्रह है, क्या भक्ति, तो समझिए इस बात हम लोग चाहे या ना चाहे हम लोग गुरु के अनुसार ही भगवान को जानते हैं, पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार ही भगवान को जानते हैं। और हमको उन्हीं की इच्छा अनुसार कार्य करना चाहिए। लोग अपने अपने तरीके से सोचते हैं मेरा भगवान का अपना पर्सनल संबंध है, मैं हूं और भगवान, तो आप रागानुगा भक्ति में पहले से ही स्थित होंगे, इसीलिए प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा, फिर से बोल रहा हूँ प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा, एक और बार बोल रहा हूँ प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा, अगर घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनकी सेवा कीजिएगा, अब लड्डू गोपाल हैं तो उनकी सेवा कीजिए, परंतु आप समझिए अगर कोई लड्डू गोपाल की सेवा कर रहा है और पहले से रागानुगा भक्ति में है नहीं, तो लड्डू गोपाल की सेवा कैसे कर रहा है, लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए क्या करते हैं लोग जाते हैं विग्रह बाजार से ले आते हैं, सेवा करने लग जाते हैं, कैसे कर रागानुगा भक्ति पहले से आ गई है क्या, उस दिव्य प्रेम में स्थित हो गए, हो गए, समझिए। तो एक्चुअली में अगर हम इस प्रकार से करते हैं ना तो हमारा प्रिटेंडर एटीट्यूड बन जाता है, हम पहले से ही प्रिटेंडर बन जाते हैं, और अगर एक बार प्रिटेंडर बन गया तो दूसरी बार प्रिटेंडर बनने से कौन रुकेगा, एक बार अपराध कर रहे हैं दूसरी बार भी अपराध करेंगे, तीसरी बार भी अपराध करेंगे, दसवीं बार भी अपराध करेंगे, कौन रुकेगा, कौन रुकेगा, है ना, समझ रहे, आत्मीय संबंध स्थापित करना इतना आसान नहीं है,
वैष्णव बनना इतना आसान नहीं होता। जाओ कुर्ता धोती धोता धोती कुर्ता लाओ पहन लो, गले में तुलसी माला डालो, वैष्णव बन गए। इस तरीके से भक्ति नहीं होती है, बड़ा संभल करके चलना पड़ता है, ठीक है। ये सब बोलने के बाद अगर बाई एनी चांस किसी को थोड़ा सा भी कष्ट हुआ, किसी को लगे कि प्रभु जी ये क्या बोले वो क्या बोले, प्लीज पूछ लीजिएगा। आज का टॉपिक बहुत डिफिकल्ट था, और सच बोल रहे हैं आप, ढूंढिए जहां पे ढूंढना चाहे ढूंढिए, मेरे को नहीं लगता कहीं पे मिले। इससे पहले किसी ने कभी भी सुना है कि ये इस प्रकार से विग्रह की सेवा, मंदिर मंदिर के विग्रह, नियमों का पालन। इनफैक्ट आप सभी मंदिर का एक चीज देखिएगा, सबको ही बताइए, देख सुना है नहीं सुना, किन्हीं सुना हो तो वो भी बता दीजिए, ये भी बोल दीजिए, अगर सच में सुना हो तो, नहीं सुना है तो नहीं बता दीजिए। अच्छा एक एक इम्पोर्टेंट बात, आप लोग हर विग्रह के लिए एक निश्चित रूप से ये प्रसाद ऑफर होगा, ये नहीं होगा, इतने बजे होगा इतने बजे नहीं होगा, ये आरती होगी ये नहीं होगी। देख इतने देर के लिए पट बंद होगा, बीच में इतने इतने देर के लिए पट बंद होगा, कौन बताता है? किसी का मन किया तो ऐसे ही करना स्टार्ट कर दिया? नहीं नहीं ऐसे नहीं होता। आज भीड़ भड़ गई है ना तो हम ऐसे कर देते हैं, ये कर देते हैं वो कर देते, ये सब नहीं होता, ये सब नहीं होता है ना। ये सब रागानुगत भक्ति में स्थित व्यक्ति ही बता सकता है कि भगवान की भक्ति किस प्रकार से करते हैं। माधवेंद्रपुरी बता सकते हैं कि गोपीनाथ विग्रह को चंदन लगाना है और गोपाल विग्रह का टेम्परेचर डाउन। माधवेंद्रपुरी बता सकते हैं, हम सोचे कि हम भी करने लग जाएं, हम कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य तो कर सकते हैं, परंतु प्लीज आप प्रिटेंडर मत बनिए। बहुत आसान होता है प्रिटेंडर, ठीक है। चलिए अब रीड करना स्टार्ट करते हैं, जिन किन को रीड करना है अपना। हरे कृष्णा। भगवान ने आगे कहा, जो मनुष्य ब्रह्मा विष्णु शिव या जीवात्माओं को पर ब्रह्म से पृथक नहीं मानता और ब्रह्म को जानता है वही वास्तव में शांति प्राप्त करता है, अन्य नहीं। तात्पर्य, इस श्लोक में दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, त्राय नाम तीन का सूचक है, जिसमें ब्रह्मा शिव तथा विष्णु सम्मिलित है। भिदाम का अर्थ है पृथक, वे तीन है अतः पृथक पृथक है, किंतु साथ ही वे तीनों एक है या एक साथ एकत्व तथा पृथकत्व का दर्शन है, जो अचिंतनीय भेदाभेद तत्व कहलाता है। ब्रह्म संहिता में उदाहरण दिया गया है कि दूध तथा मट्ठा एक ही साथ एक तथा भिन्न है, दोनों दूध है किंतु मट्ठा बदल गया है। वास्तविक शांति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक जीवात्मा को, जिसमें ब्रह्मा तथा शिव भी सम्मिलित है, भगवान से अभिन्न माने, कोई स्वतंत्र नहीं है। हम में से हर एक भगवान का विस्तार है, इसी से विविधता में एकता सिद्ध है। यद्यपि अवतार अनेक होते हैं किंतु साथ ही वे विष्णु के ही है, प्रत्येक वस्तु विष्णु की शक्ति का विस्तार है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए विग्रह के बारे में बात कर रहे थे, विष्णु का विस्तार। देखिए कृष्णा भिन्न भिन्न विस्तार लिखते हैं, और इनफैक्ट कुछ भी ऐसा नहीं है जो कृष्णा से पृथक है।
कुछ भी ऐसा नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं। एक्चुअली में भक्ति यही है कि हम इस बात को स्वीकार कर लें कि कुछ भी कृष्णा से भिन्न नहीं है। अब सोच के देखिए, अगर हमको ये बात स्वीकार्य हो जाए, कुछ भी कृष्णा से भिन्न नहीं है, तो हम किसका चिंतन करेंगे? एक एक वस्तु का, कि वस्तु के स्रोत का। जब हम हर चीज में एक ही चीज का अंश देख रहे, तो हर चीज को देख करके, जैसे ये कपड़े को देखा, कपड़े को देखा, कपड़े को देख करके ये याद आ रहा है कि कृष्णा ही इसके उत्पत्ति करता है। गायों को देखा, गायों को देख करके याद आ रहा है ये वही गाय है, कृष्णा चराते। बंदरों को देखा, देख करके यही याद आ रहा है कि बंदर वही है जिनको कृष्णा माखन खिलाते। किसी को नाचते देखा तो याद आ रहा है हमें तो कृष्णा के लिए नाचना चाहिए। कोई गा रहा है, कोई भौतिक संगीत गा रहा है, तो हमें समझ में आ रहा है कि हमें कृष्णा के लिए गाना चाहिए। सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चले जा रहा है, और हम सभी को कृष्णा के संबंध में देखें, कृष्णा से पृथक कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। अब बताइए, इस स्थिति में सदैव कृष्णा का चिंतन करो, सदैव कृष्णा को नमस्कार करो, सदैव कृष्णा की भक्ति करो, इसको छोड़ करके और कोई विकल्प बचेगा क्या? अगर कोई मूर्खता में बोले हम तो याद नहीं कर रहे, परंतु हर चीज का उद्गम करता हम कृष्णा को ही देख रहे हैं। अगर मोबाइल देख रहे हैं तो सोच रहे हैं भगवान ने मोबाइल दिया है तो कृष्णा नाम का प्रचार करें, या मोबाइल देख रहे हैं तो सोच रहे हैं कि भगवान ने कितनी अच्छी बुद्धि दी है कि लोगों ने इस प्रकार का मोबाइल दिया। जो भी कुछ है हमारे सामने, हम सभी को कृष्णा के विस्तार के रूप में देख, कृष्णा के अंश के रूप में देख, कृष्णा की शक्ति के रूप में देख रहे हैं। अब बताइए, भक्ति करने के अलावा भी कोई उपाय है क्या? जब सभी के उद्गम करता को कृष्णा ही जानेंगे, हम भक्ति करेंगे कुछ और भी करेंगे? हर किसी के, हर किसी का उद्गम करता हम कृष्ण ही देखें। हर चीज का स्रोत हम कृष्णा को ही देख रहे हैं। मूर्खता बस इतनी सी हमारी कि कृष्णा से स्वतंत्र रह करके कुछ देख, मूर्खता बस इतनी सी होती है। हम सोचे कृष्णा से स्वतंत्र हम किसी को भी जान ले, किसी एक चीज को भी जान ले, यह मूर्खता। किसी एक चीज को भी जान ले, एक्चुअली मालूम है क्या हमारा भौतिक अस्तित्व तब तक है, प्लीज नोट कर ली, बहुत बड़ा स्टेटमेंट, हमारा भौतिक अस्तित्व तब तक है जब तक हम कृष्णा से पृथक किसी भी वस्तु, किसी भी चीज को देखें। किसी को भी हम कृष्णा से पृथक देख रहे हैं तभी तक हमारा भौतिक अस्तित्व। आज किन्हीं को बोल रहा था कि शुद्ध भक्ति हम कब कर सकते हैं, कितना टाइम लगता है? शुद्ध भक्ति करने में कितना समय लगता है? पल भर का, एक मिनट, एक सेकंड। जब हम ये स्वीकार कर लें कि गुरु ही संपूर्ण, जब हम ये स्वीकार कर लें कृष्णा ही संपूर्ण, जब हम ये स्वीकार कर लें गुरु के पृथक हमें कुछ नहीं करना, जब हम ये स्वीकार कर लें कृष्णा से पृथक हमें कुछ नहीं करना, पल भर
ज्यादा समय नहीं लगता, वो पल हमारे जीवन खाना बड़ा मुश्किल होता है, वो पल आना बड़ा मुश्किल होता है, हमको तो अलग अलग काम करना है, हमारी स्वतंत्र इच्छा, हमारी जो मर्जी पड़ेगी हम करेंगे। इस स्थिति में हम सभी संघर्ष करते हैं। देवी देवता को अपनी बुद्धि अनुसार समझना। किसने बोला, किसने बोला कि देवी देवता की भक्ति कीजिए? किसने आपको बोला? यहां पे श्रीमद् भागवतम बोल रहा कि इससे ऊंचा ऑथोरिटी आपके पास, इससे ऊंचा ऑथोरिटी है जो बोले कि देवी देवता की पूजा स्वतंत्र रूप से कीजिए। इससे ज्यादा ज्ञान में सिद्ध हैं कृष्णा, बोलते हैं मैं ही सभी का स्रोत, मैं ही सभी का उत्पत्ति करता और विनाश करता। कृष्णा से ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स है क्या पता? उनसे ज्यादा ज्ञान है, उनकी बुद्धि से ज्यादा समझते हैं, उनसे ऊपर का तत्व है आपके पास। अगर ऊपर का तत्व है तब तो आप स्वतंत्र हैं, और अगर ऊपर का तत्व नहीं है तो आप बड़े मूर्ख हैं अगर वैसा कर रहे हो, है ना। मूर्खता की स्थिति में हमको कष्ट ही होगा, लोग इसी मूर्खता में स्थित रहने चाहिए। कल जो एग्जांपल दिया था ना, कुत्ते को गड्ढे से निकालना, लोग इसी गड्ढे में कूदे रहना चाहते, बड़ा बुरा लगता है सुनते हुए, हम गड्ढे में, और एक्चुअली मालूम है जब बुरा लगता है ना तो हमें गड्ढे से निकालता है, हमको समझाने आ गया। ठीक है, चलिए ऋषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैत्रेय मुनि ने कहा इस प्रकार भगवान से भली भांति आदेश पाकर समस्त समस्त प्रजापतियों के प्रधान दक्ष ने भगवान विष्णु की पूजा की। यज्ञोत्सव के लिए स्वीकृत विधि से उनकी पूजा करने के अनंतर उसने ब्रह्मा तथा शिव की भी अलग अलग पूजा की। तात्पर्य, भगवान विष्णु को ही सब कुछ अर्पित करना चाहिए और उनके प्रसाद को समस्त देवताओं में वितरित करना चाहिए। आज भी पुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर में यह प्रथा चालू है। मुख्य जगन्नाथ मंदिर के चारों ओर देवताओं के अनेक मंदिर हैं, और सर्वप्रथम जो प्रसाद जगन्नाथ जी में चढ़ता है वही समस्त देवताओं में वितरित कर दिया जाता है। विष्णु के प्रसाद से भगालिन की पूजा की जाती है, और भुवनेश्वर के प्रसिद्ध शिव मंदिर में विष्णु या जगन्नाथ जी का प्रसिद्ध शिव के विग्रह को चढ़ाया जगन्नाथ जी का प्रसाद शिव के विग्रह को चढ़ाया जाता है। यही वैष्णव नियम है। वैष्णव एक सामान्य जीव का, यहाँ तक कि चींटी तक का उपहास नहीं करता, सबको उसके पद के अनुसार सम्मान प्रदान करता है, किंतु यह भेंट श्री भगवान कृष्ण को केंद्र मानकर चढ़ाई जाती है। जो भक्त अत्यधिक उच्चस्थ हो चुका है वह प्रत्येक वस्तु के साथ श्री कृष्ण का संबंध देखता है, वह किसी भी वस्तु को कृष्ण से स्वतंत्र नहीं देखता है। यही एकत्व की दृष्टि है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, इसके आगे मैं क्या बोलूं? इसके आगे कुछ बोलना है क्या? कुछ बोलना है? देखिए, समझिए, ये मैं नहीं कर रहा, ठीक है, और मेरा ये तरीका नहीं है, मैं कॉपी करूं, मेरा तरीका नहीं है, ठीक है,
इससे ज्यादा मैं एक्चुअली में कुछ नहीं बोल सकता, मतलब कभी कभी स्पीचलेस हो जाता है। क्या बोलूं, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीला प्रपात है, बोलो बोलो बोल दे। अच्छा वही लिख दी, हाँ सेम है, अभी हम लोग यही जान रहे। इनफैक्ट अगर कोई डिवोटी अपना नाम लेकर के बताना चाहे तो बता सकते हैं। आज की नई डिवोटी ने ये बात पूछी भी थी कि अगर उनका क्वेश्चन बोल कोई नाम लेकर के अपना बताना चाहे तो बता सकते हैं, नहीं तो यस बताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बोल दीजिए, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा। मैं हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण जी प्रभु जी, वही कोइंसिडेंस हुआ प्रभु जी, जो मेरी जिज्ञासा थी प्रभु जी उसका भी आंसर मिल गया, जो आपने आंसर पहले ही मिल गया था प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो एक्चुअली मैं प्रभु जी का क्वेश्चन, मैं ऑडियो भी चाहिए तो भेज दूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक जिज्ञासा है, कभी किसी देवी देवता के मंदिर जाने का कोइंसिडेंस होए और वहां प्रसाद ऑफर करना है तो कैसे करें? आंसर यही था, मैं सुनाऊ गया एक काम करते हैं, अगर सुनाई दे तो लेट्स हियर, देखते हैं आप लोग बताइएगा सुनाई दे रहा तो। ठीक है, हाँ एक काम कीजिएगा, थम्स अप कीजिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर कृष्णा के भक्त हैं तो देवी देवता को स्वतंत्र रूप से कुछ भी ऑफर नहीं, कृष्णा को ऑफर करेंगे तो वही देवी देवता को अर्पित करेंगे, परंतु स्वतंत्र रूप से देवी देवता के लिए तो कुछ नहीं करेंगे, अपराध होगा वो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैं नहीं कर रहा, ये आज ही गए, मैं नहीं कर रहा। अब इससे ज्यादा प्रूफ चाहिए क्या? इससे ज्यादा प्रूफ चाहिए? मेरे पास नहीं है इससे ज्यादा प्रूफ। इसीलिए बोलते हैं अगर गुरु आपको उस स्थान पर रख दे उस स्थान से निकालेगा कौन? गुरु आप पे कृपा कर दें तो आपको हटाएगा कौन? इसीलिए कि कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रपाद हम सब पे बहुत कृपा कर, ये मैं थोड़ी ना कर रहा हूं, मैंने फिक्स कर दिया क्या? अभी जो थोड़ी देर पहले क्लास में बात कर रहे थे प्रभु जी को जो आंसर किया, उनने भी जो जिज्ञासा की वो भी मैंने फिक्स कर दिया। इनफैक्ट मैं स्क्रीनशॉट और वो वॉइस में से दोनों भेजूंगा, जब सामने बोल ही दिया तो भेज देंगे, सुन दीजिएगा। स्वतंत्र रूप से हम देवी देवता को कुछ भी ऑफर करें वो अपराध हो, स्वतंत्र रूप से हम देवी देवता को नहीं ऑफर कर सकते, नहीं कर सकते, देवी देवता भी खुश नहीं होंगे, और अगर देवी देवता को भी ऑफर करेंगे वो क्या करेंगे? उनको नहीं मालूम है कि कृष्णा परम भगवान, उनको नहीं मालूम है कृष्णा परम भोक्ता है, वो क्या करेंगे? अगर आप उनको दे दीजिएगा तो कृष्णा को देंगे, परंतु आप तो अपराध कर दीजिएगा, आप तो अपराध कर दीजिए। कृष्णा साफ साफ बोलते हैं, जो मेरे को ऑफर करके नहीं पाता वो पाप खाता है, आपने तो ऑफर नहीं किया है ना, तो कृपया करके हमेशा पहले कृष्णा को ऑफर करें फिर देवी देवता को ऑफर करें, बिल्कुल करें। देखिए फिर से देवी देवता का उचित सम्मान होना ही चाहिए,
बोले देवी देवता का सम्मान नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम देवी देवता की बात ही नहीं करेंगे। ये क्या है? ये भी अपराध, ये देवी देवता की बात ही नहीं करेंगे। सम्मान कीजिए परंतु कब? कृष्णा के शुद्ध भक्त के रूप में जानकर कीजिए ना सम्मान। तो आगे से बोलने सम्मान करना चाहिए, मना करो परंतु स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से है ना। इस बात को समझिए, आज किन्हीं को बोला वही बात रिपीट कर। नेगोशिएटेड वैल्यू है, नेगोशिएटेड का हिंदी शब्द निकाल दीजिए या फिर पूरा का पूरा ट्रांसलेट करके कोई बता दीजिए, कोई प्लीज ट्रांसलेट करके चैट में डालिए। नेगोशिएटेड वैल्यू और नेगोशिएटेड प्रिंसिपल के बाद हम में कुछ नहीं बचेगा। नेगोशिएटेड वैल्यू और नेगोशिएटेड प्रिंसिपल के बाद हम में कुछ नहीं बचेगा। देखिए हम सभी में विकार है, हम सबको विकार से बाहर निकलना है, ठीक सही, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है हम गलत को स्वीकार करें। विकार का अर्थ ये नहीं, हम में विकार है उस विकार से निकलना, गलत को स्वीकार नहीं करना। आई होप सभी को क्लैरिटी आई हो। आज सच में मैं स्पीचलेस हो गया, मैं क्या एक्सप्लेन करूं, ज्यादा समझ में नहीं आ रहा ना। देवी देवताओं को कभी भी देना चाहिए तो कृष्णा के बाद ही ऑफर करना चाहिए। देवी देवताओं को कभी भी कृष्णा से पहले ऑफर नहीं करना चाहिए। कभी 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 कहीं कहीं इस बात का वर्णन भी होगा कि कृष्णा स्वयं देवी देवता को ऊंचा स्थान देते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे, अगर सपोज कीजिए, मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये कहीं पे कुछ शास्त्र नहीं है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए सीता मैया क्या करती हैं, प्रसादम लेकर के आती हैं, कृष्णा को बोलती हैं, प्रभु श्री राम को बोलती हैं, आप पाइए। अब प्रभु श्री राम बोलते हैं, पाते हुए बोलते हैं, नहीं नहीं पहले हनुमान भूखा है, पहले उसको खिला। हनुमान ने बहुत कार्य किया, हनुमान को पहले खिला। अगर प्रभु श्री राम कभी ऐसा बोल दें, उसका अर्थ यह नहीं है कि हनुमान पहले सेवित है, हनुमान जी की पहले सेवा करनी और बाद में प्रभु राम का सेवा करनी, समझना। ऐसा बहुत बार आपको दिखाई देगा, भगवान अपने से ऊंचा स्थान, अपने अपने किसी भक्त को दे दे, भगवान अपने से ऊंचा स्थान अर्जुन को दे दिया, रथ पे ऊपर बैठा दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि कृष्णा लात खाने वाले हैं, अर्जुन से छोटे हो गए। बहुत लोग इसी इसी दृष्टिकोण से बोलते हैं। देखिए अगर भक्ति में दृष्टिकोण है तो वो तो अलग बात है, परंतु कभी कभी इसी दृष्टिकोण से बोलते हैं क्या कि कृष्णा तो यशोदा मैया से छोटा है। भक्ति में दृष्टिकोण से बोलना तो अलग बात, परंतु ये देख करके कि यशोदा मैया तो माँ, यशोदा मैया ज्यादा ऊंची हुई ना, ये मूर्ख, ठीक है। तो कभी कभी कृष्णा अपने भक्तों को ऊंचा स्थान दे देते हैं, उसका अर्थ ये नहीं है कि भक्त कृष्णा से भी ऊंचे हो। परंतु एक उसका एक्सेप्शन भी नोट कर लीजिए, एक एक्सेप्शन मात्र, एक दूसरा नहीं। श्रीमती राधा रानी महारानी कृष्णा की हलादनी शक्ति है,
हमेशा एक बार नहीं, कोई एक पल हुआ, कोई एक समय हुआ, कोई एक काल हुआ, नहीं नहीं हर पल कृष्णा श्रीमती राधा रानी महारानी को अपने ऊंचे स्थान दिए हर पल। और श्रीमती राधा रानी महारानी उनका उन्हीं से भक्ति और प्रेम आता है, उनका स्थान हमेशा ही ऊंचा है ना। कृष्ण अपने भक्तों को ऊंचा स्थान दे दें इसका अर्थ ये नहीं है कि भक्त ऊंचे हैं, परंतु श्रीमती राधा रानी महारानी एक्सेप्शन है, वो हमेशा ही ऊंची। ठीक है, अरे चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। और आज बहुत बड़ी बड़ी बातें भी डिस्कस हुई, और आज जो हुआ वो तो मतलब ये सब पहले भी हुआ हुआ, ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आज पहली बार ही हुआ। आप लोगों को याद होगा बहुत पहले भी बहुत बार, पर आज जैसा क्लास से पहले भी वही बात हो जाना, क्वेश्चन भी वही आ जाना, सामने भी वही रख देना, ऐसा अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये कृष्णा कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की कृपा है, वो हाथ पकड़ के चला रहे हैं, आज नहीं समझ में आ रहा, सॉरी सॉरी सुनने में बुरा लगेगा, आप अंधे हैं। अगर आज नहीं दिखाई दे रहा तो आप अंधे, ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, वॉइस मैसेज भी शेयर कर दूंगा, ये भी शेयर कर दूंगा, ऐसे तो सुनाया भी है क्लास में, शायद सुनाई दिया हो। ठीक, वो एक्चुअली में मात्र मेरे से नहीं, वो विपुल प्रभु जी से भी वो जिज्ञासा उसी टाइम वो ही जिज्ञासा पूछवा रहे थे, चला करके पूछवा रहे थे, क्योंकि वो स्थापित करना चाहते थे। श्रील प्रभुपाद कैसे बोलेंगे, श्रील प्रभुपाद को बोलना होगा वो कैसे बोलेंगे, गुरु और गुरु के शब्द में कोई भेद नहीं है, वो अपने शब्दों के थ्रू बोलेंगे। आज अपने शब्दों के थ्रू बोल दिया, शास्त्र सामने रख करके बोल दिया, इससे ज्यादा प्रूफ चाहिए, नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। जिनके लिए वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो कृपया अपने हैंड से। हरे कृष्ण, राशि मंत्र, राशि मंत्र, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपका जी जी वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हैं तो पूछिए, मैं ग्रुप पे सॉरी विपुल प्रभु जी परमिशन भी नहीं दे रहा,
मैं भेज रहा हूँ ग्रुप पे, जो आज का मैसेज है बस वही भेज रहा हूँ। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, पहले वाले को ब्लर कर दें। ओके, यस, जिन किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हैं प्लीज पूछें। इसमें स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? हरे कृष्णा, कोई जिज्ञासा नहीं, कुछ नहीं पूछना चैट में। ओके, मेरी जिज्ञासा भी यही थी, और सब मुझसे पूछ रहे थे कि ऐसा कहाँ लिखा है। लिखा है बोल दीजिए, श्री राम प्रभु जी ने बोला है, है? लिखा नहीं दिखाऊंगी, बोलिए नहीं दिखाऊंगी, बोला है उन्होंने, बोला है। इज दैट गुड इनफ? तुम तो भेज दीजिएगा मेरे सामने जी, उनसे पूछे, ये उनसे पूछे, हम नहीं बता रहे। बहुत सब बदमाश हो गए, बहुत सब बदमाश हो गए। थोड़ा सा ब्लर कर दिए पहले वाले मैसेजेस, पहले वाले मैसेजेस नहीं भेज। किन्हीं का भी कोई भी स्थिति है वो नहीं बताना चाहिए, परंतु आज का मैसेज जरूर विपुल प्रभु जी का भेज रहा हूँ। आई एम नॉट टेकिंग परमिशन एज वेल। ठीक है, आज देख लीजिएगा कब का मैसेज है। एक्चुअली में मेरे को प्रूफ देने की कोई आवश्यकता होनी नहीं चाहिए, मतलब ये सब इसलिए ताकि आप समझ जाए, समझ जाए। आज भैया ने भी ध्यान से आपकी क्लास सुनी और वो बोल रहे थे कि आज का टॉपिक बहुत ही बढ़िया, तो टॉपिक तो हमेशा हर दिन का ही बढ़िया था, आपने बहुत टॉपिक मिस कर दिया। धरती ये था, आपने बहुत सारा टॉपिक मिस कर दिया, है ना? अब मिस मत कीजिए। एक्चुअली मैं सच बता रहा हूँ, आपके पास कोई दूसरी विधि है ना तो मेरे को बता दीजिए। दूसरी विधि से आप कुछ ना कुछ अपराध कीजिए, अब उसको इग्नोर करके बोलिए कि हाँ ठीक है, अब जैसे है हम तो कर रहे हैं। दूसरा कोई भी विधि है उससे अपराध कीजिएगा, लक्ष्य तक नहीं पहुंचिएगा। बस एक ही विधि है, एक ही विधि है, दूसरा कोई चैलेंज करने वाला आज तक नहीं है। तो प्रभु जी ये वाली विधि है, हम तो इस अनुसार चलेंगे। अरे समझिए, उनका लक्ष्य शुद्ध भक्ति करने का प्रयास है ही नहीं, उनका लक्ष्य ये है कि तमोगुनी से रजोगुनी बन जाइए, रजोगुनी से सतोगुनी बन जाइए, आपको वो बनना है, जाइए जी घूम कर गई। अगर सही में शुद्ध भक्ति करना है तो बस एक ही तरीका, ऐसे भी शुद्ध मार्ग एक ही होता है, बाकी सारे अशुद्ध। जब ये सारी बात बोलूं तो मैं किसी दूसरे के गुरु का अपमान नहीं करना, परंतु अपने गुरु का सम्मान करना। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा? हरे कृष्ण। यस, कोई जिज्ञासा नहीं है? कीर्तन सुनते हैं? चलिए कीर्तन सुनते हैं। किन्हीं की जिज्ञासा होगी तो चैट में लिख दीजिएगा प्लीज। ये सब कुछ देखने के बाद, अब तो जब शुरुआत में बोल रहा था कि अगर आप सच में उसको अच्छा मानते हैं मेरे लक्ष्य के लिए कार्य, हर कोई कार्य भी जितना कर सकते हैं सब कोई की, सब कोई को भगवान ने कुछ ना कुछ क्षमता दी है, थोड़ा सा कर लिया सब कोई कर लिया, करते जाइए, कोई कर लिया लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, धीरे धीरे लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं कीर्तन शेयर करता हूँ, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा रहे पूछ लीजिएगा, यहाँ पे पूछ लीजिएगा, आएगा मैं आंसर करने की कोशिश करूँगी।
Yeah.